हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगा 20 मिनट में किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी 20 मिनट बनाने वाले हैं या बना रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो लास्ट तक पूरी देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो जिसमें सबसे पहला है 20 मिनट की कॉस्ट। अगर आप 20 मिनट बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी कॉस्ट आपकी 20 मिनट में आएगी, क्योंकि इसमें लमसम डबल कॉस्ट लगती है आपकी। जितनी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जो कॉस्टिंग आएगी, इतना आपका अगर आप प्रॉपर वे में 20 मिनट बनाएंगे, इतनी कॉस्ट आपकी 20 मिनट बनाने में आएगी। सो ये भी एक 20 मिनट की वीडियो है। बिल्डिंग जिसके अंदर एक लिफ्ट भी है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लिफ्ट का ये डिग है जहाँ पर लिफ्ट नीचे जाती है 6 फीट नीचे। अगर आपको लिफ्ट के प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देन सेकेंड आता है आपकी 20 मिनट की हाइट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। वो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, ऑफिशियल है, या पार्किंग के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपकी हाइट डिसाइड करनी होगी। अगर आप रेसिडेंशियल बना रहे हैं या पार्किंग के लिए कर रहे हैं तो आप इसकी हाइट 9 to 10 feet कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं तो आप इसकी हाइट 11 से 12 feet कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर अगर आपको फॉल सीलिंग करानी हुई, आपको नीचे बीम को कवर करने के लिए, अगर आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो आप फॉल सीलिंग भी ईजीली करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेशन। हमेशा आप अगर आप 20 मिनट बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट ज़रूर होनी चाहिए। कभी भी आप बेसमेंट को रोड लेवल पर कवर ना करें, कम से कम 2 feet और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3, 4 या 5 feet उसे रोड लेवल से उठा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग का पर्पस क्या है, वो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या ऑफिशियल है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है आपका बेसमेंट वॉल। बेसमेंट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर 9 इंच की वॉल बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बेसमेंट आप जब भी बनाएं तो उसमें RCC वॉल ज़रूर बनाएं। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, ये जो बीच में गैप छोड़ा गया है ये RCC के लिए है। आप इसमें 4.5 inch की ब्रिक वॉल और उसके साथ 6 inch का RCC वॉल बना सकते हैं। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें एक आउटर साइड 4.5 inch की वॉल, मिड में 5 inch की RCC वॉल एंड इनर साइड 4.5 inch की ब्रिक वॉल। मींस टोटल जो है ये 13 inch की वॉल बनके तैयार होगी। एंड जो इनर साइड की आपकी ब्रिक वॉल है, उसमें आप जो इलेक्ट्रिकल का वर्क है, कटिंग है एंड जो भी फिटिंग है आपकी, वो प्रॉपर वे में हो जाएगी, क्योंकि RCC में वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ जो मजबूती है वो कम हो जाएगी। सो फिफ्थ पॉइंट बताने से पहले, बेसमेंट बिल्डिंग में जो कॉलम होते हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं या कितने सरिए देते हैं, अगर आपको जानना है तो उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका बेसमेंट फ्लोरिंग। बेसमेंट की फ्लोरिंग होती है, कभी भी आप नॉर्मल फ्लोर उसमें यूज़ ना करें, हमेशा RCC फ्लोर ही बेसमेंट में आप बनाएं। क्योंकि आप जब बिल्डिंग को 8 से 10 feet नीचे लेके जाते हैं, वहाँ मिट्टी होती है, मिट्टी में मॉइस्चर होता है, तो आपके सीलन आने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ हमेशा RCC फ्लोरिंग ही करें आप। सिक्स पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर प्रूफिंग। बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि आपका जो बेसमेंट 8 से 10 feet नीचे बन रहा होता है, वहाँ की जो मिट्टी है, पता होनी चाहिए आपको कि आपकी लोकेशन क्या है, आसपास कोई नदी तो नहीं है या नाला तो नहीं है, ड्रेन है, जो भी है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी बिल्डिंग में सीलन ना आए या कहीं से लीकेज ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी पूरी बिल्डिंग ही डैमेज हो जाती है। नीचे सीलन, वो नीचे से ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, तो ये पूरी बिल्डिंग को ही इफेक्ट करती है। तो इसलिए आप फ्लोरिंग वॉल में RCC ज़रूर कराएं, एंड आपका जो वॉल है, वॉल में भी RCC इसी वजह से यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट 7 जो कि है वाटर पंप इन बेसमेंट। अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो एक आपका या आप दो, एज पर एरिया, जितना एरिया उसके अकॉर्डिंग आप एक वाटर पंप बेसमेंट में ज़रूर दें। क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में अगर आपकी बिल्डिंग में पानी आ जाता है, चाहे वो बारिश का हो या ड्रेन या कुछ भी, एक इमरजेंसी में पानी अगर बिल्डिंग में एंटर करता है तो जो आपका पंप है वो आपके पानी को बाहर निकालने का वर्क करेगा बहुत फास्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वीडियो से आपको कुछ भी अच्छी नॉलेज मिली हो सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।